मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक परिवार ने कोविड 19 के टीके पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बरही विकास खंड क्षेत्र की रहने वाली एक गर्भवती महिला को वैक्सीन लगाई गई थी, जिसके कुछ घंटों बाद ही उसके बच्चे की पेट में ही मौत हो गई। ऐसा आरोप महिला और उसके परिवार ने लगाया, हालांकि डॉक्टर इस बात से इनकार कर रहे हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल कटनी जिला अस्पताल में कल प्रसूता तुलसाबाई को भर्ती कराया गया था। तुलसाबाई और उसके परिजन ने आरोप लगाते हुए बताया है कि दो दिन पहले आशा कार्यकर्ता टीका लगाने के लिए घर आई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो टीका कोविड 19 का है या गर्भवती को लगाने वाला टीका है। टीका लगवाने के बाद से ही तुलसीबाई को घबराहट होने लगी थी, जिसके बाद उसे बरही के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोनोग्राफी करवाने में पता लगा कि उसका बच्चा पेट में ही दम तोड़ चुका है। महिला का कहना है कि उसने पहले भी वैक्सीन लगवाने से इनकार किया था, लेकिन आशा कार्यकर्ता ने उसे बिना जानकारी दिए टीका लगा दिया, जिससे कि उसके बच्चे की मौत हो गई। पूरे मामले पर जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन यशवंत वर्मा ने आरोपों को नकारते हुए बताया है कि वैक्सीन से ऐसा नहीं हो सकता, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, डॉक्टर भी दे रहे हैं सलाह। आपको बता दें कि डॉक्टर्स खुद गर्भवती महिलाओं को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं। उनके मुताबिक गर्भावस्था में कोविड 19 की वैक्सीन लगवाना सुरक्षित है। ऐसे में यदि माँ को कोरोना वैक्सीन लगवाती हैं, इससे बच्चा और माँ दोनों कोरोना से बच सकते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।